अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं इस टाइम मौजूद हूँ DHA फेज 4 रिवर व्यू साउथ ब्लॉक के अंदर। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा पहाड़ियों पे जो कटिंग चल रही थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज के ऊपर चली गई है। काफ़ी ज़्यादा कटिंग हो चुकी है और बड़े लेवल के ऊपर काम हो रहा है यहाँ पे। मतलब पिछले तकरीबन 6 महीने से जो डेवलपमेंट शुरू हुई थी, बहुत ही रिमार्केबल काम किया है DHA ने। बहुत मैं इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि 6 महीने में इतना ज़्यादा काम हो जाएगा। तकरीबन अगस्त सितंबर में काम शुरू हुआ था और अब फरवरी में हम बैठे हैं। और ये देखिए जी, पहाड़ी का क्या हाल हुआ है जी। काफ़ी ज़्यादा कटिंग हो चुकी है, यहाँ की मशीनरी काम कर रही है। और ये देखें, ये इधर ये सारी डेवलपमेंट चल रही है डिफरेंट। वो पूरा एक प्लांट भी लगा हुआ है NMC का। तो ये सारा एरिया ही बेसिकली DHA फेज 4 रिवर व्यू साउथ में आता है। यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हैं। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, कनाल, 4 साइजेज़ हैं। वैसे रीसेल में बड़े लिमिटेड ही प्लॉट मिलते हैं। नॉर्मली लोगों ने तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है क्योंकि रिंग रोड यहाँ से करीब है। और लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट जा रही है तो होपफुली अगले कुछ अर्से के अंदर ये तकरीबन पार्शल एरिया की पोजीशन देने की स्टेज पर आ जाएंगे। जैसे कि इनका प्लान है कि यहाँ पर अर्ली पोजेशंस भी शुरू होंगी। प्लान तो इनके तकरीबन 3 से 4 साल तक भी जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट के, लेकिन पोजेशन जल्दी शुरू हो जाएंगी। और बहुत बड़े एरिया के ऊपर ये काम हो रहा है और DHA वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये है सिचुएशन इस टाइम। तो मज़ीद को मालूम चाहिए इस हवाले से तो रब्ता कीजिएगा। बहुत अच्छी जगह है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक है, इंस्टॉलमेंट पर है तो डेफ़िनेटली इसकी वर्थ बनती है। और ये पुराना जो DHA फेज 4 है उससे भी कनेक्ट होने जा रहा है अगले कुछ अर्से के अंदर। साथ रिंग रोड से भी कनेक्टिविटी बनेगी इसकी। तो ओवरऑल एक अच्छी प्रोडक्ट है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं अभी आप। तो ये सिचुएशन है जी फरवरी 2024 के अंदर। तो मज़ीद इस हवाले से अपडेट्स देते रहेंगे आपको। इस हवाले से कोई और मज़ीद मालूमात चाहिए तो रब्ता कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।